दीप सिद्धू के जोड़ा बरसी तू रीना राय जी लाइव होकर दीप सिद्धू का एक हादसा दस रहे हैं कि ताडा ये विचार है कि सचे मुची हादसा जो असं उन्होंने एजेंसियां मान सकते देखो भाई वो मौके पर कुड़ी मौजूद सी वो जी कहानी दस रही है मैं तुम्हें पहले कहा कि जदों एजेंसियां खेड खेड दियां ने ना तो पता नहीं किनू किहड़े बंदे नू आपदे नाल ला के जां किहड़े बंदे राही अपना काम कढ़ा जांदियां ने हो सकदा कि उस बंदे नू भी ना पता होवे कि एजेंसी मैथों काम करा रही है। 9 महीने हो गए सिद्धू मूसेवाले दे डैथ होई नू जी हले तक उन्होंने माँ प्यो नू इंसाफ नहीं मिले की कहूँगी जी। देखो इंसाफ जी मिलन की मैं बहुत पहला ही गल जदों जिस दिन कतल होया मैं उस दिन मूसे पिंड बोलिया सी कि ये कातल के पिछे इस कतल के पिछे एजेंसियां का हाथ स्टेट दी एजेंसियां दा हत्थ है वो नहीं चाहुंदियां कि जिहड़ा बंदा पंजाब दे हक्कां दी गल करदा चाहे वह प्रचार राही करदा चाहे वह गा के करदा जां किसी भी तरीके नाल करदा वो बंदा नहीं इत्थे जिउंदा छड्डिया जा ते सारे 243 दे 43 पिंड जिला मानसा दे सी 2 तरीक तक सारे पिंडां च पहुँच के लोगों तक अपनी गल रखनी है भी बंदी सिंघां दी रिहाई लई सानूं लामबंदी करके चंडीगढ़ जाण दी लोड़ है जी। अज भाई जी अच्छ गोड़धर्म आए हो बंदी सिंह की रिहाई वास्ते तुसीं की मीटिंग की इत्थे जी? देखो बंदी सिंह की रिहाई में लैके जी लामबंदी की मीटिंग की गई है जिला मानसा के 243 पिंड उन्होंने पिंडों के बाबा जी किन्ने पिंड कमेटियां अच्छ अपने को आई 100 के करीब जो पिंड कमेटियां अच्छ इतने कट्ठिया की सारे 243 के 43 पिंड जिला मानसा के सी 2 तरीक तक सारे पिंड पहुँच के लोगों तक अपनी गल रखनी है भी बंदी सिंह की रिहाई लिए सू लामबंदी करके चंडीगढ़ जाने की लड़ है वो कत्ल एक किसानी अंदोलन एक मुद्दा हूँ भख रहा जी हरनेक सिंह महमा ने किसान आगू तो दोष लाए ने भी वह तोमर के घर वाली तो जो पैग लगाते की कहोगे वो बारे देखो जी जड़िया गलां बातें अंदरूनी उन्होंने चलदिया रही सरकार ना चाहे उन्होंने कोई अंदर खाते गलबात फोन दे उत्ते जां कोई मीटिंग दे जरिए तो उन्होंने हुण जिहड़ियां गल्लां उह बाहर आउणियां शुरू हो गईयां ने वैसे लोग पहले ही गल्लां नूं महसूस करते सी पर मैं कहना कुल मिला के माड़ा हो रहा क्योंकि एक गंढ बजी सीगी ते लोकां दा विश्वास सी कि लड़न वालियां धरां लोग जुड़े भी सीगे और पहली बारी होया कि एड्डी वड्डी गिणती दे विच नौजवानी जुड़ी सी जिहड़ी कदे धरनां दा हिस्सा नहीं सी हुंदी पर ये बहुत माड़ा हो रहा जो हो रहा सो ये हल्के जिहड़े हल्के लीडर होंगे ने आगू होंगे ने बहुत इन्हां दा पद्धर बहुत नीवा हुंदा उत्थों तक नहीं उन्हां दी सोच हुंदी कि साडी लड़ाई किड्डी वड्डी ताकत दे नाल है भुलेचे च आ जांदे ने उन्हां नूं सरकार ने वख-वख तरीक्यां नाल भुलेचे च भी लिया सो हुण सारियां गल्लां भाई लोगों ने सामने आउणियां शुरू हो गईयां लोगों ने तय करना है कि अगे साडे लोगों का रुख जिहड़ा किधर होणा। 9 महीने हो गए सिद्धू मूसेवाले दी डैथ होई नूं जी हले तक उन्होंने माँ प्यो नूं इंसाफ नहीं मिले की कहूँगी जी? देखो इंसाफ जी मिलन की मैं बहुत पहला ही गल जदों जिस दिन कतल होया मैं उस दिन मूसे पिंड बोलिया सी कि ये कातल के पिछे इस कतल के पिछे एजेंसियां का हाथ स्टेट दी एजेंसियां का हाथ है वो नहीं चाहुंदियां कि जिहड़ा बंदा पंजाब दे हक्कां दी गल करदा चाहे वह प्रचार राही करदा चाहे वह गा के करदा जां किसी भी तरीके नाल करदा वो बंदा नहीं इत्थे ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਗਰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨ ਬਾਹਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਪੜਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
केजरीवाल वर्गे के 24 घंटे हल कर देंगे। 9 महीने हो गए हाले तक सिट्टा ही बनाई जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं किसी के उत्ते हो रही। तो ये जड़िया गल् ने इन असल जो ये मुद्दे होंगे ने इन जे सियासी बंदे होंगे ने वो चोण मुद्दा बना लेंगे। जो भी कोई चोण आऊगी वह मुद्दे उभारे जाते हैं, लोगों दावनावान वरतिया जाता, वोटा लैके फिर वो मुद्दे जोड़े नकार दिए जाते हैं। भाई जी एक सवाल है कि दीप सिद्धू के जो बरसी तू अरीना राय जी लाइव होकर दीप सिद्धू का एक हादसा दस रहे हैं कि ताडा ये की विचार है कि सचमुच ही हादसा जो असं उन्होंने एजेंसियां मान सकते। देखो भाई वो मौके पर कुड़ी मौजूद सी, वो जी कहानी दस रही है। मैं तुम्हें पहले कहा कि जदों एजेंसियां खेड खेड दियां ने ना तो पता नहीं किनू किहड़े बंदे नू आप दे नाल ला के जां किहड़े बंदे राही अपना काम कढ़ा जांदियां ने। हो सकता कि उस बंदे नू भी ना पता होवे कि एजेंसी मैं इत्थों काम करा रही है। हुण तुसीं इह देखो कि असी बहुत थाई मोर्चे लाई बैठे हैं, चाहे जीरा मोर्चा, चाहे बरगाड़ी मोर्चा, चाहे जिहड़ा कौमिन साहब मोर्चा चंडीगढ़ लग्या होया, पर उन्हां एजेंसियां ने जिहड़े गदार ने साडे चों चेहरे मोहरे साडे ने खुलिए साडे ने पहरावे साडे ने गल साडी करदे है, पर बंदे उन्हां दे ने, उन्हां नूं फिट पहले ही करते उन्हां मोर्चां च कि कल नूं इन्हां राहीं गेम नूं किवें घमाउणा है, वह सारे जोड़ तोड़ पहले ही करी बैठे है। इन्हां गल्लां करके असीं हुण तक जिहड़ा इहदा खमियाजा वी भुगतदे आए हैं कि साडे मोर्चे फिर क्यों हुंदे रहे, क्योंकि उहे जे बंदे अगे लगदे रहे। साडे लोकां वल्लों संगत वल्लों कोई कसर नहीं बाकी छड्डी जांदी। देखो किड्डे वड्डे कट्ठ लखां दे असीं बरगाड़ी करदे रहे, पर अखीर ते आगूआं ने सानूं की दिखाया। सो ये जिहड़े आगू ने जां आगूआं दे रूप दे विच उह बंदे अपने पहले ही फिट कर देंदे ने, जिहदे करके सानूं इहे जे खमियाजे भुगतने पैंदे। ठीक है।